हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण सभी कृष्ण सभी को। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोध्यायः भगवत प्राप्ति। अर्जुन वाच किं तद् ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म प्रशोत्तमं अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। प्रभुपाद की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, क्या देवता क्या है, कृपया तथा देवता क्या है, कृपया करके ये सब मुझे बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो हम लोगों ने अपना अध्याय आज हमको पढ़ना है, अक्षर ब्रह्म योग। और इस अध्याय को शुरू करने के पहले मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को और अपने सारे शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करती हूँ। और साथ ही साथ आप लोग का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ सबको, हरे कृष्णा करती हूँ। तो हरे कृष्णा। और आज का अध्याय हम शुरू करते हैं, जो इसके पहले सातवें अध्याय का थोड़ा सा बात करते कि सातवें अध्याय कल हमने पढ़ा क्या क्या है। तो कल हमने भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में जाना है, उनकी दो शक्तियां, पराशक्ति और अपराशक्ति, यानी कि भौतिक शक्ति जो पूरा जगत है ये, पराशक्ति जिसमें जीव आता है जो कि आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है, और उसके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि चार लोग हैं जो कि दुष्कृतनों कहे जाते हैं, मूढ़ है, नराधम है, मायाप्रित ज्ञाना है और असुर है। ये लोग कभी भी भगवान को समर्पित नहीं हो पाते हैं, भगवान की शरण नहीं ले पाते हैं। और चार प्रकार के लोग हैं, जो आर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। ये सभी भगवान की शरण में जाते हैं, जिसमें से ज्ञानी जो हमेशा भगवान के चिंतन में रहता है, हमेशा भगवान के ध्यान करता है, उसको भगवान ज्यादा प्रिय मानते हैं। और साथ ही साथ भगवान देवी देवता जो होते हैं उनको सीमित शक्तियां देते हैं, और वो सीमित शक्तियों के द्वारा जो जीव मांगता है, जो जीव उनकी प्रार्थना करता है, उनकी तपस्या करता है, उनको दे देते हैं। तो जो लाभ देवी देवताओं के द्वारा मिलता है जीव को, वो भी भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। और साथ ही साथ भगवान ने अंत में बताया हमको, जो दो श्लोकों के द्वारा, कि अंत काल में हमारी जैसा चेतना होती है वही हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है, और शरीर त्यागते समय हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, इस सब का आज जो है वो हम वर्णन करेंगे। और ये जब हम जान जाते हैं तो फिर हमारी दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। तो अध्याय सात के लास्ट में प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने पढ़ा था, उसे बताया था कि कृष्ण भावनामृत हमको हो जाना, और बताया गया कि हर पहलू, जीवन के जितने भी पहलू हैं उसमें भगवान को देखिए, जल में, थल में, बल में, सब में, प्रकाश में, अंधकार में, सब में क्या है, हर जगह भगवान को देखना है। बहुत आसान है भगवान को देखना, चारों तरफ हमारी सृष्टि बिखरी पड़ी हुई है और हम उसमें हर कण कण में भगवान को देख सकते हैं, सर्वव्यापी है भगवान। कैसे याद करें, बड़ा आसान है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए। बहुत इससे ज्यादा आसान क्या होगा, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा या सुना है, कहते हैं कि आर्या प्लीज चैंट प्रॉपरली। तो आर्या किसको कहते हैं, जो संस्कृत में कहते हैं, जो वैदिक संस्कृति को जानता है, जो वैदिक शास्त्रों को पढ़ता है, उसको आर्या कहते हैं। तो हम भी आर्य ही हैं, और उसको क्या करना है, आर्या को प्लीज चैंट प्रॉपरली, आपको अच्छी तरीके से चैंटिंग करना है, जपा करना है। तो ये आठवें अध्याय में यही बताया जाएगा, आठवें अध्याय का बिल्कुल एक ही सूत्र है, चैंट प्रॉपरली, स्मरण का ये आपको अध्याय बोला जाता है। हमने सातवां अध्याय पढ़ा था जो कि श्रवण का अध्याय कहा जाता है, और जो ये आठवां अध्याय है स्मरण का अध्याय कहा जाता है। इस आठवें अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको जानने के लिए, हम उसको शॉर्ट में अगर कहें तो एरी पीसीएस कहा जाता है, कि एरी पीसीएस के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। ए क्या होता है, आंसर, उत्तर है। पहले के जो चार श्लोक हैं उसमें अर्जुन के जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर भी है, प्रश्न भी है और साथ ही साथ उत्तर भी शुरू हो जाता है। और आर क्या है, रिमेम्बरिंग कृष्णा एट डेथ,
5वें से 8वें तक। तो जो पहले 6 प्रश्न का उत्तर है वो पहले से 4 प्रश्न श्लोक में मिल जाते हैं हमको, और जो आखिरी प्रश्न 7वां प्रश्न है उसका उत्तर हमको 5वें श्लोक से 8वें श्लोक के बीच बीच में मिल जाता है। अब देखिए गुरु के ऊपर है कि गुरु आपके प्रश्न को कैसे लेता है, गुरु चुनाव करता है कि किस प्रश्न का उत्तर कितना लंबा देना चाहिए, कितना देना चाहिए। और यहाँ पर भगवान ने जो 7वां प्रश्न है उसको लिया है, उसको ज्यादा विस्तार में बताया है। वाई से होता है योग मिश्रित भक्ति। योग मिश्रित भक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। योग मिश्रित भक्ति को भीष्म ने भी किया था। भीष्म बड़े भक्त थे, तभी उन्होंने योग मिश्रित भक्ति को उन्होंने भी फॉलो किया था। फिर पीसीएस में पी क्या कहता है, प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद से हमको सी से होता है कि कंपेयरिंग स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, वो 14वें श्लोक से लेके 14, 15, 16 में बताया जाएगा। और कंपैरिजन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच की जो तुलना है वो 17 से 22 श्लोक बताएगा। और वो किस लिए बताएंगे, क्या जरूरत है भगवान को स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड की तुलना करने की। तो हमको प्रोत्साहित करना चाहते हैं भगवान कि हम प्रोत्साहित हो स्पिरिचुअल धाम जाने के लिए, कितनी सुंदर जगह है, वहां में जाना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित हो। और इसके बाद से जो एस क्या कहलाता है कि शुद्ध भक्ति, इस एक तरह से क्या कहते हैं कि सुप्रीमेसी, सर्वोच्च कौन है, किसकी शुद्ध भक्ति करनी है। ये 23 से 28 श्लोक में जो कंक्लूजन एक तरह से आप कह सकते हैं, ये आपको इस अध्याय में बताया जाएगा। तो इस अध्याय के बताने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस अध्याय का नाम क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान की प्राप्ति, भगवान माता की जी, प्राप्ति ज्ञान कैसे विज्ञान होगी, योग। भगवान की प्राप्ति। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे, भगवान की प्राप्ति। एक नाम हमने और बताया था, आपको याद है, अक्षर ब्रह्म अक्षर योग, अक्षर ब्रह्म योग। तो इस अध्याय का नाम ही है भगवत प्राप्ति। और इसमें यही बताया जाएगा कि भगवत प्राप्ति हम जो है वो कैसे कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति का तरीका इसमें बताया जाएगा। तो जो अभी हमने जो पढ़ा है श्लोक जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ा कि अधि यज्ञ को, नहीं पहला श्लोक की बात हो रही है, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म कौन है, किम अध्यात्म, अध्यात्म किसे कहते हैं, की कर्मा पुरुषोत्तमा, क्या जो है वो पुरुषों के उत्तम, बताइए कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। और अधिभूतम की प्रोक्तम अधिदेव की उच्यते, और बताइए कि अधिभूत कौन है, अधिभूत यानी कि इस भौतिक जगत का जो है वो कौन अधिष्ठाता है, और अधिदेव कौन है जो कि देवों का जो है अधिष्ठाता है, और देवता क्या है मतलब उसके बारे में ये करके हमें बताइए। तो अधि मतलब होता है कि जो कि एक तरह से शासन करता है, नियम बनाता है, जिसके आधार पे चलता है, अधिष्ठाता। अधिष्ठाता मतलब क्या होता है, जो पूरा जिसके रूल से, जिसके अंडर गाइडेंस में, जिसके निरीक्षण में चलता है। जैसे मंदिर होते हैं तो मंदिर के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट होते हैं तो अध्यक्ष होते हैं, उनका क्या होता है, पूरे मंदिर पर शासन चल रहा है, निरीक्षण करते हैं हर कार्य का, उनके अधीन ही सारे कार्य होते हैं। तो उन वो क्या है, तो इस तरह से यहाँ पर पूछ रहे हैं अर्जुन, अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ परीक्षाएं, एक परीक्षा तो जरूर आती है, हर व्यक्ति के जीवन में एक परीक्षा आती है जो सबको देनी पड़ती है, जो भी जीवित है, छोटा बड़ा जो है, जितना भी बड़ा जीव है, व्हेल मछली हो चाहे, और चाहे छोटा सा बैक्टीरिया हो, जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसको एक परीक्षा देनी जरूर पड़ती है। कौन सी परीक्षा होती है वो कोई बताएगा। मृत्यु की परीक्षा। की परीक्षा। परीक्षा। और कोई आंसर आ रहा है, हरे कृष्ण। मृत्यु की हरे परीक्षा। कृष्ण माता जी, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि की परीक्षा। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो सबसे बड़े भय है, लेकिन यह हमने कहा हर व्यक्ति के जीवन में, मतलब कि वो जीवित हो चुका है ना, अब उसकी परीक्षा अरे जो है मेन परीक्षा वो मृत्यु की परीक्षा है, सबको देनी पड़ती है जो भी यहाँ आता है।
तो मृत्यु के समय भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये तो सभी लोग सोचते हैं। और अभी इससे संबंधित एक प्रश्न अभी अर्जुन का और आ रहा है। अभी उन्होंने कितने प्रश्न पूछे कि तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत कौन है और अधिदेव कौन है, इतने प्रश्न आ चुके हैं। अब और प्रश्न आ रहे हैं, पढ़िए बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि यज्ञ पवित्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो अतिने त आतम भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले लोग आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये प्रश्न आ रहा है कि मृत्यु के समय कैसे जान पाते हैं, और उसके पहले प्रश्न आया हुआ है कि अधि यज्ञ कौन कौन है और मृत्यु के समय प्रयाण काल में आपको कैसे जान सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर भगवान को देने हैं ये सारे प्रश्न। अब ये जो अर्जुन है वो पुरुषोत्तम परम पुरुष कह के भगवान को कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न किसी मित्र से नहीं पूछ रहे हैं, सखा भाव से नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि किसे पूछ रहे हैं, परम प्रमाण जान के पुरुषोत्तम, वही उत्तर दे सकते हैं। ये इतने प्रश्न इतने साधारण है ही नहीं है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर सबके पास हो ही नहीं सकते हैं। प्रयाण काल के विषय में और कोई बता ही नहीं सकता है। तो इस श्लोक में प्रयाण काल बहुत कहते हैं कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसकी परीक्षा अंत में ही होती है। साल भर हम पढ़ते हैं क्लास में और अंत में परीक्षा होती है, जब वो हम अच्छी तरह दे लेते हैं तब हम पास किए जाते हैं, उसके पहले हम पास नहीं हो पाते हैं। तो अर्जुन लगातार कृष्ण भावना मृत में है, लगे हुए हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि अंत समय में कैसी दशा होती है। कई तरह के होता है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, पूरी जिंदगी उन्होंने भगवान को याद किया, अंतिम समय में नहीं याद कर पा रहे हैं। तो परीक्षा होती है मृत्यु के समय में, जीवन भर भक्ति की है तभी आपको भगवान याद आएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमी रह जाती है, हमारी शक्ति संसार से रह जाती है और हम नहीं याद कर पाते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। लेकिन जब जीव हमेशा याद करता है भगवान को, पूरे जीवन याद करता है, तो उसको भगवान जरूर याद आते हैं। कैसे याद आते हैं ये आगे अभी हम जानेंगे, और इसको आगे और जानने का प्रयत्न हम करेंगे। तो साधारण लोग तो डर ही जाते हैं मृत्यु आती है तो, क्योंकि सबको मृत्यु से डर लगता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत मुश्किल है, और ये हमने सारी जो यहाँ पे भौतिक जगत में रचनाएं रची हैं इसको कैसे देखेगा, कौन देखेगा, ये सब लगा रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में रहते हैं वो मृत्यु को एक नई आशा के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है, वो उन्होंने पढ़ा रहता है, उसको पढ़ा नहीं गढ़ा रहता, अपने अंदर उसको धारण किए रहते हैं। न जायते भ्रियते वा कदाचिन, न भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शास्त्र यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। तो जीव नित्य है तो मरता कौन है, शरीर। और आध्यात्मिक जीवन जो अपना लेते हैं उनको भौतिक शरीर नहीं धारण करना पड़ता, यही भगवद गीता एकमात्र है जिसमें जीवन के ये जो चार भय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का इतना सुंदर वर्णन है, मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करें। कहते हैं ना कि एज श्योर एज डेथ, डेथ ही श्योर है, जो जीवन लिया उसको मरना ही मरना है, ये श्योरिटी है। जैसे एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक माता थी, उनका बच्चा बहुत छोटी उम्र में जो प्राण त्याग देता है, परेशान माँ जगह जगह भटक रही है, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। साधु मिलते हैं उसको, ये साधु कहते हैं मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। साधु कहते हैं माता अवश्य मैं आपका बच्चा आपको वापस दे दूंगा, बस एक मुट्ठी चावल चाहिए मुझे। माता भागती है, कहते नहीं नहीं रुकिए, शर्त भी सुन लीजिए, ऐसी जगह से मांग के लाइएगा जहाँ पे किसी की मृत्यु न। माता सुबह से शाम तक भटक रही हैं, एक मुट्ठी चावल नहीं मिल रहा है, हर जगह से खाली हाथ लौट के आती हैं साधु के पास। कहती है जो आप बताना चाह रहे थे वो तो मैं समझ गई और मुझे अब बस संतोष हो गया, तो मृत्यु तो निश्चित है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। हम लोग के आचार्य लोग कहते हैं लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। लाइफ जो है वो तैयारी की घड़ी है, तैयारी करने का समय है, लाइफ पूरी हम तैयारी कर सकते हैं, और उसी की परीक्षा हम डेथ के समय देते हैं, मृत्यु के समय देते हैं। तो भगवान प्रश्न पूछने पर अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित नहीं करते हैं कि इतने ढेर सारे प्रश्न क्यों पूछ लिए। वैसे ही प्रभुपाद भी हमारे थे, सब प्रश्नों के उत्तर देते थे, किसी
को मना नहीं करते थे, लेकिन हमको भी प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए एक शर्त, पहले शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। बिना शास्त्र पढ़े हमें कोई भी उत्तर नहीं देना चाहिए। एक मुझे और कथा याद आ रही जो आचार्य लोग सुनाए थे, कभी सुना है मैंने। सत्य कथा है कि अमेरिका के सेंट डिएगो में एक माता जी थी, वो इस्कॉन से जुड़ी हुई थी, उनके प्रभु जी की वो आस्था नहीं थी। एक दिन उनको हार्ट अटैक आता है, माता अध्यक्ष जी को फोन करती हैं, कहती हैं कि आप जब करें मेरे पति को विजिट करें, बहुत कष्ट में हैं हम, और वो कोमा में चले जाते हैं। अध्यक्ष जी 4 बार आते हैं, विजिट करते हैं, जप करते हैं। एक दिन माता का फोन आता, आइए अध्यक्ष जी, जल्दी आइए। अध्यक्ष जी परेशान, क्या हुआ, दौड़ के जाते हैं। उनका नाम प्रकाश प्रभु था, तो उनको होश आ गया था, सॉरी। और वो कह रहे थे कि मुझे टेंपर प्रेसिडेंट से मिलना और किसी से नहीं। जब मिलते हैं प्रेसिडेंट तो कहते हैं कि प्रभु जी 4 बार आए थे। तो प्रेसिडेंट ने कहा, हाँ जो बहुत सुंदर से हैं वो 4 बार आए थे आपके पास? कह रहे, नहीं 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 वो बहुत भयानक से थे। तो नर्स ने कहा कि 4 बार इनको हमने खो दिया था, और ये फिर लौट के आए हैं, फिर इनको जीवन मिला है। तो कहते कि नहीं वो बहुत डरावने थे। मैंने कहा, नहीं नहीं मत आओ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। तब तो वो चले गए। फिर दूसरी बार आए, फिर मैंने कहा, नहीं नहीं मैं तो कृष्ण का जप करता हूँ, और फिर वो चले गए। फिर तो मैं कृष्ण का जप ही शुरू कर दिया। फिर आए वो, ऐसे बार बार आते रहे। अंत में जो है वो अच्छे अच्छे दूत भी आ गए, जो बड़े सुंदर सुंदर थे। उन्होंने नहीं ले जाने दिया मुझे, तो मैं अब तो घर नहीं जाऊंगा, मैं तो सीधे अब टेम्पल जाऊंगा। और वो ये बात करीब 10 साल पुरानी है, और जो प्रकाश प्रभु जी है आज भी सेवा कर रहे हैं। तो ये एक तरह से नियर डेथ की कहानी है। हम नहीं मानते, बहुत से लोग कहते क्यों मानना है हमको, भगवान है भी कि नहीं पता नहीं। तो ये जो कहानी है ये एक तरह से सही बात है, और ये सही शिक्षा देती है कि हाँ भगवान कहीं है, और भगवान को हमें ध्यानना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कथाएं आपको मिलेंगी, जो कि आपको पुनर्जन्म की कथा मिलेगी, और कई लोग डेथ बेड से वापस आए हैं, उनकी कथाओं में इस तरह के वर्णन मिलते हैं। हरे कृष्णा। ये भगवान अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भवकरः विसर्गस्कर्म संहिताः। श्री शुक्ल प्रभुपाद की जय हो। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी चौथा ही पढ़ लीजिए, तो एक साथ इसको दे दीजिए कि सारे उत्तर हैं इसमें। हरे कृष्ण, पढ़िए माता। हरे कृष्ण अति भूतम क्षर भावा पुरुष अति दैवतम अति यज्ञ अहम एव अत्र देहे देह लिता वर। हरे कृष्ण हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देवधारी के हृदय में परमात्मा का स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर मिला शुरू हो गए हैं, और भगवान क्या बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अविनाशी और ये दिव्य जीव जो है वो ब्रह्म कहलाता है। अब जीव जो है वो ब्रह्म है, और भगवान कौन है? परम ब्रह्म है। ये अंतर को हमें बहुत स्पष्ट समझ लेना चाहिए। जीव कभी भी परम ब्रह्म नहीं हो सकता है, और परम ब्रह्म कभी ब्रह्म नहीं, वो परम ब्रह्म है, और जीव जो है वो ब्रह्म है। क्यों ऐसा क्यों है? हमने पढ़ा है भौतिक भगवत गीता में कि सोने की खान और सोने में गुण में जो है अंतर नहीं होता है, दोनों में एक ही गुण होते हैं। लेकिन खान का मतलब कि बहुत ज्यादा सोना, और सोने मतलब थोड़ा सा। तो हम भी भगवान के जो है अंश हैं, तो हमें भी थोड़ा है उनका गुण, लेकिन उनके पास बहुत सारा गुण है। जैसे समुद्र है, समुद्र में बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन पानी की जो एक बूंद होती है, समुद्र का जो टेस्ट होगा, आप एक कुल्ला पियेंगे वो भी उतना ही टेस्ट होगा, और जो एक बूंद चखेंगे उसमें भी वही टेस्ट होगा। लेकिन समुद्र में कितना पानी है, अथाह पानी, और जल की बूंद एक है, थोड़ी देर में मिट जाती है। समुद्र को आप सुखा नहीं सकते हैं। आप इसी तरह से परम ब्रह्म है, जो कि जो है सर्वोच्च है, ग्रेटेस्ट, सबसे ऊपर। फिर दूसरा प्रश्न आ जाता है कि आध्यात्म। तो आध्यात्म क्या कहलाता है?
अध्यात्म या एक तरह से कहते आत्मा का स्वभाव, जीव का नित्य स्वभाव जो होता है वो अध्यात्म कहलाता है। कहीं कहीं उसको आत्मा भी कह देते हैं। तो जीव का नित्य स्वभाव क्या है? जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण का। तो जीव जो है वो हमेशा भगवान का दास बना रहना चाहता है, दासत्व तो उसका स्वभाव है। अब आप अपना स्वभाव बदल दे तो क्या होगा? आप न इधर सफलता पाएंगे न उधर सफलता पाएंगे। कहते हैं ना कि घर का न घाट का। तो अगर हम अपने स्वभाव को छोड़ते हैं तो हम दूसरी चीजों को एडॉप्ट करते हैं, पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाते और अपना स्वभाव हम छोड़ देते हैं। तो जीव का स्वभाव आध्यात्म का है। जब वो करती है, वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती है तो प्रसन्न रहे। तीसरा है कि कर्म या सकाम कर्म। तो जीवों के जो ये भौतिक शरीर से जो भी गतिविधियां होती हैं वो कर्म कहलाती हैं, और सकाम कर्म यानी कि अपने लिए जो भौतिक शरीर से संबंधित होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए जो कार्य किया जाता है वो सकाम कर्म कहलाता है। वो शास्त्रों के अनुरूप होता है लेकिन उसमें थोड़ी स्वार्थ की भावना होती है। अच्छा, समय के दायरे में रह के तीन गुणों से प्रभावित होकर जीव अपने शरीर के लिए कर्म करता है और वो ही कर्म कहलाता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। कौन कौन से होते हैं कर्म तीन प्रकार के? हरे कृष्णा। माता जी, कर्म अकर्म विकर्म। ये बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। चौथा प्रश्न आ गया कि अधिभूत। अधिभूत कौन है? ये भौतिक प्रकृति है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। भौतिक प्रकृति में हमेशा परिवर्तन। आज आप जो है कल वो नहीं रहेगा, कल जो है वो परसों नहीं रहेगा। पेड़ है वो अभी आपने कल बीज बोया था, उसमें जो है अंकुरण हो जाएगा, अंकुरण से पत्तियां निकलेंगी, पत्तियों से पेड़ बन जाएगा, पेड़ से फल फूल निकलना शुरू हो जाएंगे, कुछ दिन बाद मुरझाना शुरू हो जाएगा और एक दिन हो जाएगा कि गिर जाएगा। यही जीव है। आज जो है जन्म होता है, बढ़ता है पल पल। अभी आप कहते ओ तो ये तो न्यू बॉर्न बेबी है, कल आप कहते इतना बड़ा हो गया, परसों इतना बड़ा हो गया। किसी बच्चे को साल दो साल बाद देखते हैं आपको एकदम से परिवर्तन दिखता है, अरे ये तो बच्चा इतना बड़ा हो गया। तो क्या है? परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता है हर प्रकृति में, हर चीज। अभी पानी बरस रहा है, अभी धूप निकल जाएगी, धूप निकल गई फिर बदली छा जाएगी, फिर कहिए कि गर्मी पड़ रही थी ठंड पड़ने लगी। तो इतना परिवर्तन होता रहता है। ये भौतिक जगत जो है यही अधिभूत कहलाता है। अधिदेव जो भगवान का विराट रूप है, जिसका हम अभी वर्णन होगा, अभी 11वें अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे, आपने लेवल 1 में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता इसमें शामिल है, उसको अधिदेव कहलाते हैं। और अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ वो है जो हमारे सबके जितने भी देहधारी है, जिसको जो भी शरीर मिला हुआ है, उसके हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं वो भगवान, स्वामी कहलाता है वो। यज्ञ का स्वामी भी कहलाता है, भोक्ता कहलाता है वो। परमात्मा अधियज्ञ है। परमात्मा रहते कहाँ है? हरे कृष्णा। हमारे हरे कृष्णा हृदय में, हमारे हृदय हृदय में रहते हैं। में और इसके बाद प्रयाण काल की बात हो रही है। प्रयाण काल पूरा वर्णन जो आप पढ़ेंगे अब, तो वो सारा वर्णन आपका प्रयाण काल के बारे में ही है, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याते नात्यत संशयः। अरे श्री कृष्ण प्रभुपाद की जय हो। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रच बाद में संदेह नहीं है। हरे कृष्ण बताइए। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि हृदय में रहता है। आप 15वां अध्याय पढ़े होंगे, इसमें लिखा है सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम। और एक और श्लोक भी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयान्देशे तिष्ठति। तो परमात्मा चतुर्भुज रूप है, इसीलिए हमारे शरीर में रहते, हमारे शरीर को भी मंदिर कहा जाता है क्योंकि तो परमात्मा निवास करते हैं। हमारे शरीर का एक दिन नाश हो जाएगा, फिर भी ये शरीर हमारा क्या है? मूल्यवान, दुर्लभ मानुष जन्म। मनुष्य का शरीर ही केवल ऐसा है जो भक्ति में सहायक है, कर्म योनि है, बाकी सब शरीर क्या है? भोग योनि है। तो वो भोग कर सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। हम कर्म कर सकते हैं, अकर्म कर सकते हैं, कर्म करके भगवान की तरफ जा सकते हैं। प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम में कि ये शरीर बहुत कीमती है, इसको ऐसे यूं ही न जाने दें, व्यर्थ जीवन ये मानुष जीवन नहीं जाने दें, भगवान की सेवा करें। और ये अध्याय इसी के बारे में है कि जब आत्मा इस शरीर से निकलती है
उस समय भी भगवान को कैसे याद करें, अंत काले च मामेव। बहुत सुंदर श्लोक है और इस श्लोक को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक हमको बताता है कि हमें कैसी जीवन जीना है। अंत काले च मामेव, जब हम इस तरह का जीवन जिएंगे, तब जाके हम जब भगवान से जुड़ा हुआ जीवन जिएंगे, तब हम अंत काल में उनको याद कर पाएंगे। अंत काल में याद करना इतना आसान नहीं होता है, कहते ना कि बहुत ज्यादा उस वक्त दर्द होता है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है, इसलिए तैयारी हमको शुरू से करनी है। और कहते हैं जब अंत काल में भगवान को सोचते हुए, भगवान की याद करते हुए शरीर का त्याग होता है, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान का स्वभाव क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, सच्चिदानंद दर्शन। सच्चिदानंद, बिल्कुल सच्चिदानंद है भगवान, सच्चिदानंद विग्रह। हरे कृष्णा, जम जम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एते कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, तो ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, इसको भी आपको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है श्लोक, ये पूरी तरह से निचोड़ करके रख देते हैं कि हाँ जीवन कैसे जीना चाहिए। तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, यम यम वापी स्मरण था, श्याम सुंदर रूप का स्मरण करना चाहिए, जो भगवान का इतना सुंदर रूप है उस पे हमारा स्मरण करो, तो आसान काम नहीं है। हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे तभी स्मृति आएगी। कृष्ण कहते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र का जाप करिए। बहुत परिवर्तनशील इस भौतिक जगत में हम रहते हैं, इस भौतिक जगत में हमें अपने आप को इस गुणों से ऊपर रख के और शुद्ध स्थिति में जाना है। आजकल लोग क्या करते हैं, पेट के बारे में सोचते हैं, और पेट के बारे में सोचेंगे तो अगला जन्म उसी पेट का हो जाएगा। जैसे भागवतम में कहानी है जड़ भरत की, जड़ भरत ने हिरण का ध्यान किया और हिरण बन गए। कई लोग अपने घर का बड़ा सुंदर महल बनाते हैं, उसी में आसक्ति रहती है, पता चला चूहा बन गए, मार खा रहे हैं, कुत्ता बन गए, भगाए जा रहे हैं, घोड़ा बन गए, चारों घूम रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं ये क्यों, घोड़ा यहाँ क्यों आ गया। तो भगवान की कृपा देखिए कि वो हर योनि में साथ में रहते हैं, हमको हमारा भला चाहते हैं, लेकिन जो ये मनुष्य योनि होती है, यही योनि ऐसी होती है जहाँ श्रवण कीर्तन करके और भगवान को याद करके, स्मरण करके जो है हम पार लग सकते हैं। जीव जब बच्चा रहता है गर्भ में, तो भगवान का स्मरण करता है, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारा नाम लूंगा। जैसे ही संसार में आता है, सबका प्यार मिलता है, सबका केंद्र बिंदु बन जाता है, उसको लगता है मैं ही कंट्रोलर हूँ, अब तो मैं सबको नाच नचाऊंगा, और नचाता भी है, कभी इधर रोता है, कभी उधर, सब ले ले दौड़ते रहते हैं उसको। तो गर्भ में कष्ट था, स्मरण था, जगत में भी कष्ट है, स्मरण गायब है। घर में अनुभव था कि हम कष्ट में हैं, जगत में अनुभव समाप्त हो गया, कष्ट किसके कारण है पता ही नहीं चल रहा है। जैसे ही सुख मिलता है भूल जाते हैं, बुखार आता है परेशान हो गए, भगवान को याद कर रहे हैं हाँ भगवान ठीक हो जाएं, और जैसे ही फिर ठीक हो गए, फिर हम इधर से उधर, उधर से उधर हो जाते हैं। तो एक पिक्चर देखी थी बचपन में कि उसमें भगवान की थी, और उसमें मुझे याद नहीं कि एक पुरुष आता है, वो गुफा में ढेर सारे पुतले रखते रहते हैं, वहां पर एक हीरा था जिसकी तलाश में सब पुतले बन गए थे। तो थोड़ी देर स्त्री आती है वो हीरा लेके, और पुरुष स्त्री को देखकर भोग की इच्छा करता है, स्त्री उससे लिपट जाती है और फिर रूप बदल जाता है, वो उसे पतला बना देती है। ये क्या है, ये माया है। हर क्षण अगर भगवान का स्मरण रहेगा तो हमें भगवान का स्वभाव प्राप्त होगा। तो श्रवण की महिमा तो हमने जानी, स्मरण की महिमा यहाँ पर आ गई है। स्मरण करिए, किसी भी शरीर की प्राप्ति दो बातों पर निर्भर करती है, एक हमारी इच्छा, दूसरा हमारा कर्म। कर्म और इच्छा के अनुसार हमें शरीर मिलता है, तो हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, और उसी के साथ ही हमारा क्या होता है, हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हमारी इच्छा भी क्या होगी, भगवान की हो जाएगी, और भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान को ही प्राप्त करेंगे, यही या इसका मूल मंत्र है। हरे कृष्ण, तस्मा सर्वेषु मनुस्मर युद्धे च मयि अर्पिता मनोबुद्धि मामेशस्य संशयः। हरे कृष्ण। अतः भी अर्जुन, तुम्हें सदैव प्रश्न रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए।
और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। कृष्ण तो कई लोगों का विचार होता है कि ठीक है भोग करते रहेंगे, अंतिम समय आएगा तो ठीक है याद कर लेंगे, ऐसा क्या है, कहीं लिख के टांग लेंगे सामने और याद आ जाएगा। परंतु कहते हैं ये इतना आसान नहीं है, अंत समय बहुत ही कष्ट मिलता है। कहते हैं कि पता नहीं कितने बिच्छू के डंक के बराबर एक जो है दंश आता है, और साथ ही साथ पूरा जीवन फ्लैशबैक में चला जाता है। मान अपमान, घर गृहस्थी, कितनी बातें अड़ोस की पड़ोस की, अपनी नाते के रिश्तेदारों की, सबकी बातें याद आती हैं। और उस समय में भगवान का नाम आ जाना बहुत मुश्किल होता है, कठिनाई होती है उसमें। लेकिन जीवन भर हमने वही बोला है तो अंत समय में क्या होगा, भगवान अपने आप याद हो जाएंगे। आप देखिए, आप कोई श्लोक बोलते हैं लगातार, कोई आप जैसे प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर में, प्रार्थना करते हैं आप जो मंदिर में प्रार्थना करते रहते हैं, आपने पहली लाइन बोल दी, उसके बाद आप स्वतः जैसे कोई जबरदस्ती बुलवा रहा हो वैसे आपको सारी लाइनें चलती चली जाएंगी उसी तरीके से। तो वैसे ही है, जब हम हमेशा जबान पे हमें भगवान का नाम रहा है तो वैसे ही हमें याद आ जाएगा, वो ही निकलेगा। जैसे अब कष्ट होता है, अभी कोई दर्द होता है, लोग कहते हैं ये कृष्णा, तो उस वक्त भी कष्ट होगा तो ही कृष्णा ही याद आएगा। अगर हमने जो है इस वक्त हम कह रहे हाय मर गए तो उस वक्त भी याद आएगा हाय मर गए, तो हे कृष्णा जब याद करेंगे तो हे कृष्णा याद आएगा। जो याद किया है फाइनल एग्जाम में तो वही लिख पाते हैं ना। तो भगवान अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि मत करो युद्ध, भगवान का नाम लो, बैठो यहाँ 24/7 भगवान का नाम ले लो, नहीं, कह रहे हैं मामन स्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण करो और युद्ध करो। तो हमारा भी ये युद्ध क्षेत्र है, हम गृहस्थी संभाल रहे हैं ये हमारा युद्ध क्षेत्र है, बिजनेस कर रहे हैं ये हमारा युद्ध क्षेत्र है, नौकरी कर रहे हैं ये हमारा युद्ध क्षेत्र है, हम अगर विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं तो ये हमारा युद्ध क्षेत्र है। तो हमें अपने युद्ध में भी करना है और भगवान को भी याद करना है, यानी जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान को समर्पित करते हुए करें। संसार के लिए कार्य करेंगे, अशांति बढ़ जाएगी, कष्ट बढ़ेंगे, दुख आएंगे, लेकिन भगवान के लिए जो कार्य करता है उसमें शांति भी आती है, सुख भी आता है, संतुष्टि भी आती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। संतोषी माता जी कह रही है गोवर्धन बाबा के दर्शन कराने के लिए, अभी करना है बाद में, क्लास बाद में कर खत्म लेंगे होने को। जी क्लास खत्म होने के बाद। माता जी, रिसाइट करिए माता जी, किसका नंबर है पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं हरे दिव्यं कृष्ण माता जी। भानुचिन्तयन्। कृष्ण, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, गोवर्धन जी के दर्शन कराना है आप सबको, पर वीडियो ऑन नहीं हो रहा माता जी। तब कैसे कराएंगे माता जी, जब वीडियो ऑन नहीं हो रहा तो वीडियो ऑन करिए तभी तो करा पाएंगे। हाँ हो जाए तो बताइएगा माता जी, तब तो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ पढ़ लिया है इसको, हरे कृष्ण। जी अच्छा माता जी, जी माता जी, अच्छा ठीक है, फिर तो भगवान इसमें अभ्यास के साथ साथ स्मरण करने की बात तो बता ही रहे हैं कि अपने मन और बुद्धि को दोनों को मुझ में लगाइए तब मुझको अवश्य प्राप्त करेंगे। तो ऐसा अभ्यास करना है, चेत्या नान्यगामिना, अपनी चेतना को ऐसे लगाना है कि कहीं और जाने ही ना पाए, अनन्य भक्ति जिसको कहते हैं, कि हमेशा किसी अन्य के प्रति भाव ही न जाए, मन बुद्धि कहीं लगे ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमें हमेशा भगवान के ध्यान में रहना, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान को ध्यान ले। तो कहेंगे अरे ऐसे कैसे करें, हम जो काम कर रहे हैं उसमें मन लगा हुआ है, फिर उसमें दोनों काम कैसे हो सकता है। तो अभ्यास योग युक्त है, अभ्यास करिए प्लस योग प्लस युक्त, तो अभ्यास से भगवान से जब युक्त हो जाएंगे तब भक्ति योग कर पाएंगे। तो इंद्रियों को क्या करना है, संसार से हटाकर भगवान में लगा लेना है, ये इसका मूल मंत्र यहाँ पर है।
तो प्रतिक्षण हमको भगवान की शरण का याद करना पड़ेगा, प्रतिदिन चिंता करना पड़ेगा, कर्तव्य कर्म करने पड़ेंगे भगवान के लिए भी, और क्यों जो भी हमारे कर्म हैं उन्हीं कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना है। और इसे अभ्यास के द्वारा मन को इंद्रियों को लगाएंगे जब, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी बुद्धि भी लगनी शुरू हो जाएगी, हमारी आत्मा भी लगनी शुरू हो जाएगी। जबकि बताया है कि बहुत मन चंचल है, चंचला ही मना कृष्ण प्रभुता बलवा दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायु रिषु दुष्करम। और वहां पर भी कहा गया है कि अगर आप भगवान में ही लगातार चिंतन करेंगे, अगर भगवान का ही लगातार ध्यान करते रहेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, धीरे धीरे एक अभ्यास सा बन जाएगा, और उस अभ्यास के द्वारा भगवान पर ध्यान कर सकेंगे। तो कल्पना नहीं करनी है, भगवान का साकार रूप है, हम देखते हैं और उसमें ये सब गुण है, उनको हम याद करें नाम रूप गुण लीला को, तो हम अपने आप जो हमारा चित्त है वो भगवान की तरफ ही जाएगा, और विचलित भाव से बिना विचलित हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कविं पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्यय का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रगति से परे दिव्य रूप है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, ध्यान करो। इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि मेरा ध्यान करो, मेरा जो है वो ध्यान करे। कैसे ये कवि पुराणम अनुशासितारम, तो भगवान कितने भगवान के रूप हैं, कितने भगवान के गुण हैं। कहते हैं ना अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप है उनको। पुराण पुरुष नव यौवना च वेदेशी दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामी। तो उस भगवान को कैसे याद करना है, कवीन सर्वज्ञ है वो, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, पुराणम अनादि है, प्राचीनतम है, अनुशासितारम सब नियंत्रण कर में रखने वाले, हर चीज उन्हीं के नियंत्रण में है। अड़ो अड़ियासम, अड़ू की अपेक्षा लघुतर है, छोटे से हैं, छोटे हो जाते हैं ऐसे छोटे, कहते जब चाहेंगे तो छोटे से छोटे हो जाएंगे, जब चाहेंगे तो बड़े से बड़े हो जाएंगे। सर्वस्व धाताराम, जो धाता है सबके, धाता मतलब पालन करने वाले, सभी के पालन करने वाले, अचिंत हैं यानी कि उनको चिंतन से भी परे हैं, कल्पना से भी परे हैं। रूपम सुंदर हैं, बहुत सुंदर उनका रूप है। आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशवान है। तमसा परस्तात अज्ञानता और पूर्ण भौतिक प्रकृति से परे हैं, तो कितने सारे उनके जो रूप रंग हैं, नित्य पुरुष है, तेजवान है और भौतिक प्रकृति से परे बिल्कुल दिव्य स्वरूप है उनका। तो हम इन इन रूपों में, कहते प्रयाण काल में हमें भगवान पर मन लगाना चाहिए, तो कैसे लगाएं इन इन चीजों में, क्योंकि मन विचलित होता रहता है। तो भगवान के जब इस रूपों को देखेंगे, जब इन सारे रूपों को देखेंगे, तो इनमें से किसी भी रूप पे आपका ध्यान आ जाएगा और आप उस रूप पे ध्यान लगा के भगवान को हमेशा याद कर सकते हैं। तो ये भगवान को याद करें कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, जानने वाले हैं, और चाहे छोटी सी छोटी चीज हो उसको भी जानते हैं, और आदि पुरुष हैं आप, सनातन हैं, परम नियंता हैं। कहते कि हम नेत्रों से देखते हैं लेकिन नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है, मन के ऊपर बुद्धि शासन करती है, बुद्धि के ऊपर अहंकार शासन करता है, और उसके ऊपर भी कौन जाता है, उसके भी आश्रय, उन सबके आश्रय कौन होते हैं, भगवान होते हैं, पालक है हमारे, वही हमारे गुरु हैं। हर रूप में हम उनको देख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रयाण काले मनसा जलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्यो प्रणमाविश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपेति दिव्यम्। हरे कृष्णा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है,
वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये एक तरह से योग मिश्रित भक्ति का यहाँ पर वर्णन शुरू हो गया है कि मृत्यु के समय क्या करता है, वो प्राण को भवों के मध्य में लेते आते, जो प्राण वायु होती है उसको योग के द्वारा ऊपर की ओर करते करते इतना ऊपर लाते हैं कि वो प्राण भवों के बीच में आ जाती है, और योग शक्ति से कहते हैं कि वो अविचलित होकर पूरी तरह से भगवान में अपने को ध्यान लगाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता। तो बहुत कठिन विधि है और लेकिन उसको किया जाता है, योग करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति जद्यतयो वीतरागा जद्दीच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्यो। हरे कृष्णा। जो वेदों में वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये अब चल रहा है योग मिश्रित भक्ति के बारे में, अष्टांग योग की पद्धति है ये, और इसमें भी स्मरण किया जाता है, ओंकार भगवान का नाम है, लोग उसको उच्चारित करते हैं, ये भी एक तरह से भगवान का ही, राधा कृष्ण को ही पुकारना है, भगवान का ये दूसरा नाम है। लोग शांति के लिए, अपने उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, मुक्ति लाभ के लिए वो इस तरह का जो ध्यान है उसको पालन करते हैं। हरे कृष्णा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मुद्निध्यायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणम्। हरे कृष्णा। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये 13वां आप भी पढ़ लीजिए, इसको एक साथ ले लेते हैं दोनों को। जी मैम। ओमित्योकाक्षरं ब्रह्मं बाह्यरन्मानु अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। हरे कृष्णा। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 12वें श्लोक में और 13वें श्लोक में बताया गया कि इंद्रिय क्रियाओं से कैसे विरक्ति ली जाए, और जो कैसे धारणा में स्थित, जो योग धारणा हम लोगों ने पढ़ी थी अष्टांग में, धारणा समाधि, तो धारणा में कैसे स्थित हुआ जाए। तो समस्त द्वारों को बंद करके, इंद्रिया के जो द्वार हैं उन सबको बंद करके, और अपने को जो प्राण वायु है उसको सिर में केंद्रित कर देते हैं, और उस तरह से मनुष्य योग में आ जाता है। तो ये कितना मतलब कठिन विधि है कि इंद्रियों को नियंत्रित करना, और सारी द्वार का मतलब है कि आपकी ज्ञान इंद्रियां भी उसमें सम्मिलित है और आपकी कर्मेंद्रियां भी इसलिए सम्मिलित है उसमें। मनोहृदि निरुद्ध च, मन का और हृदय में निरोध करके आत्मनः प्राणम, जो 5 प्रकार की प्राण वायु है उसको, प्राण वायु को उठाकर मस्तक में ले जाते हैं, योग धारणा में स्थापित करते हैं। तो फिर ओम का उच्चारण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए कहते कि जब शरीर को त्यागता है कोई तो वो आध्यात्मिक लोक में जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में देखिए तो हम लोग तो पहले ही स्टेप पे अटक जाते हैं, हमारे तो सारी इंद्रियां ही नहीं कंट्रोल में आती हैं, इंद्रियों के समस्त द्वार बंद करना, हम तो इसी स्टेज पर नहीं आ जाते हैं। तो मतलब ये जो विधि है वो हमारे लिए बहुत ही दूर की विधि है, और कलयुग में कहा गया है कि सरल तरीके से अगर आप जाते हैं तो वो ज्यादा उचित है, अगर आप भगवान का जप करते हैं तो ये बहुत आसान विधि है। लेकिन ये जो योग का बल है जिसमें प्राणों पर अधिकार होता है, 5 वायु पर नियंत्रण होता है, फिर उससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, फिर दीर्घकालीन अभ्यास किया जाता है, तो ये तरीके थोड़े से बहुत कठिन तरीका है। इसलिए भगवान ने भी बताया है कि भक्ति किया जाए, भक्ति के द्वारा जो है वो हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है, ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सर्व है। इसीलिए क्या कहते हैं कि यह
हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना उचित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कलयुग में निरंतर स्मरण करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। छोड़ राम नाम नाम हरि कल्मष नाशनम न तो तत्पर उपाय सर्ववेदेषु ऋषि। तो अनन्य चेतना जो है वो इसी मंत्र में है और इसी मंत्र को हमेशा याद करें, स्मरण करें तो नाम चेहरा लीला रूप वो सब याद आ जाता है। याद रहता है हमको कि माला जप करनी है। इसको सुमरिनी भी कहा जाता है, सुमिरन करना। सुमिरन करने का मतलब क्या होता है? स्मरण करना। तो जब जब हम माला हाथ में लेते हैं हमें कृष्ण का स्मरण हो जाता है। और भगवान कहते हैं ना, सतत कीर्तयन्तो माम यतन तस्ता नभ्यस्त माम भक्त्या नित्य युक्त उपास। तो सतत कीर्तन करना। कुछ लोग कहते हैं कि 16 माला जप क्यों करना है, इसमें तो कहीं नहीं लिखा है किसी वेद शास्त्र में कि 16 माला जप करो। तो भगवान कहते हैं ना कि प्रभुपाद कहते हैं कि कहाँ, भगवान ने तो कहा सतत कीर्तयन्तो माम, मेरा हमेशा कीर्तन करो। और उसको क्या होता, तस्याहं सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं हमेशा सुलभ रहता हूँ। और तो नित्य युक्त योगिनो, ऐसे भक्त कहते हैं जो नियमित रूप से मेरा स्मरण करते हैं वो आसानी से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ये आपको अनन्य भक्ति का श्लोक है कि हमेशा भगवान की अनन्य भक्ति योग, एक तरह से कहेंगे भक्ति योग का श्लोक है। और सबका वर्णन करता है, 4 प्रकार के भक्तों का भी वर्णन पहले हुआ, फिर 3 प्रकार के योग का भी वर्णन हो गया। अब भगवान पूर्णतः भक्ति योग की प्रशंसा कर रहे हैं कि भक्ति योग करिए, उसके लिए मैं हमेशा ही सुलभ रहूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता सभी को। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानस् संशुद्धिम् परमांगताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त भी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कोई पूछता कि कैसे, तो आप को आप कैसे, तो क्या कहेंगे? अच्छे हैं, फाइन है। लेकिन भगवान तो कह रहे कि दुखालय है। यहाँ पर कभी कभी सुख मिल जाता है तो हम सोचते बहुत सुख मिल गया है, दुख नहीं है, लेकिन जो है फिर दुख आ जाता है। जैसे बहुत ठंड पड़ रही है, तब जो है वो हार जमाने वाली ठंड है, एक दिन धूप निकल आई, बड़ा अच्छा, यही सुख मिल गया, यही सुख है कि ठंड नहीं लग रही है। तो जब जब हमको इस तरह का डंडा नहीं पड़ता है तब तक हम सुख प्राप्त करते हैं, लगता है हमको कि सुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन असली सुख कहाँ है? आध्यात्मिक धाम है। यहाँ तो सुख क्या है, परिवर्तनशील जगत है। तो अभी सुख है, अभी गायब, थोड़ी देर सुख मिलेगा फिर गायब। तो ये जो दुखालय है इसमें हम हमेशा रहना चाहते हैं, क्योंकि हमको यही देखा है हमने, हमने सुख कहाँ है हमको पता ही नहीं है। यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी रहती है और हम भगवान से दूर रहते हैं यहाँ। लेकिन जो भगवान को ध्यान करते हैं वो हमेशा भगवान को याद करते करते फिर कभी इस जगत में लौटना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परम सिद्धि मिल गई, उनको पता चल गया है कि यहाँ क्लेश है। जो परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है गोलोक में, वृंदावन में चला जाता है, कभी वापस नहीं आता है, परम गति कहा जाता है। श्री कृष्ण चरण रति यही रे उत्तम गति। भगवान के चरण मिल जाते हैं तो क्या होता है, उत्तम गति मिल जाती है। बस वहीं पर रहना चाहता है जो भक्त है, वो वापस ही नहीं आना पा चाहता। तो कहते हैं ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो सर्वोच्च आत्माएं, सर्वोच्च है। जिनको गोलोक वृंदावन मिल गया वो तो सर्वोच्च है ही है। सब हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए कब तक गति मिलती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु
हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं कि जो एक बार मुझे प्राप्त कर लिया उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है, क्यों? इस जगत में आपको 14 भुवन है, आप ब्रह्मलोक तक भी आप पहुंच जाइए तो पुनरावृत्ति लगी रहती है, पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम लगा रहता है। क्यों ये इस जगह से लेके जो सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक सतलोक तक है वो क्या है? सर्वोच्च लोक, वो भी दुखों का घर है, जन्म और मरण वहां भी होगी। यहाँ से कम दुख है, यहाँ से अच्छी आयु है, वहां पे जरा व्याधि नहीं है, लेकिन वहां पर भी मरण तो है, ये जन्म मरण तो कम से कम निश्चित है, वहां पर भी होता है। यहाँ पर तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरण लेना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान की शरण ले लेता है, जो भगवान के पास पहुंच जाता है, वो फिर यहाँ नहीं आना चाहता है। क्या बताए, भौतिक जगत क्या है, एक तरह से जेल की तरह से, जैसे सरकार जेल बनाती है, गलत कार्य करते हैं तो जेल में डाल देती है, फिर कि सुधर सके। तो हम भी सुधरने के लिए आए हैं, अपने कर्म फलों को काटने के लिए आए हैं। अगर हम इन कर्म फलों को काट देते हैं और भगवान के पास पहुंच जाते हैं, यही परम सिद्धि है हमारी। लेकिन जेल से ही आसक्ति हो गई तो फिर जेल में ही रहना चाहे तो कोई बात ही नहीं। तो ये श्लोक हमेशा प्रयोग किया जाता है याद दिलाने के लिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य ये दुखालय नहीं है, ये भौतिक जगत नहीं, हमारा लक्ष्य सर्वोच्च लोक है। यहाँ तो फिर वापस आना पड़ता है। हम लोग बार बार इस चीज को कहते हैं कि पुनरावर्तन लगे रहते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। दुखालय है, सुखालय नहीं, सूखालय है कहा जाता है। सूखालय, बुढ़ापा आ गया, सूखा हो पड़ गया, जब तक बच्चे हैं और तब तक सबके आंख के तारे हैं, और थोड़े बड़े हुए तो फिर युवा अवस्था बहुत ही अच्छी अवस्था लगती है, लेकिन जैसे जैसे क्षरण शुरू हो जाता है, वृद्धा अवस्था आने लगती है, वैसे वैसे सूखालय हो जाता है। तो ये जगत को कभी भी अपना परमानेंट जो एड्रेस नहीं बनाना चाहिए, हमेशा हमको भगवान से जुड़ने का कोशिश करना चाहिए, किसी न किसी भाव से जुड़े और हम भगवत धाम को पहुंच जाएं। पिता का घर है हमारा, वो हम हमेशा अपने घर में जाके कहते हैं कि अरे होटल में टिके थे अच्छा नहीं लग रहा था, वहां गए थे अच्छा नहीं लग रहा था, अपने घर में अच्छा लगता है। तो भगवान का घर क्या है? हमारा घर है। कहते हैं कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान हमारे माता पिता हैं और उनके पास हमें जाना है, हमें अच्छा लगेगा वहां रहना, मुझे हमें अच्छा लगेगा, हमें वहां जाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। सहस्र हर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रान्तान् देवो रात्रिविदो जनाः। हरे कृष्णा। मानवीय गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या होता है, मानवीय गणना के साथ जो हम गणना करते हैं, एक कल्प जिसको कहते हैं कि 1,000 युग चक्र के बराबर होता है, इतनी अवधि उनकी राशि थी। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, बहुत लंबा उनका लाइफ स्पैन होता है। कहते हैं कि सतयुग जो है वो सतयुग, त्रेता युग, कल द्वापर और कलयुग, कहते हैं कि अगर 4,32,000 का कलयुग है तो उससे दुगना द्वापर होता है, उससे तिगुना जो है त्रेता युग होता है, उससे 4 गुना सतयुग होता है। तो ये मिला के कहते हैं कि इतना समय बीत गया तो एक महायुग या एक दिव्य युग कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, एक मनु के जो मतलब 71 चक्र होते हैं इसके महायुग के, और 14 मनु का एक दिन ब्रह्मा का होता है, उतनी एक रात होती है। तो कि बहुत लंबा जीवन स्पैन है वो ब्रह्मा का है, और इसको पूरा दिया गया है इस क्या कहते हैं तात्पर्य में कि ब्रह्मा की ये 100 वर्ष की गणना के साथ पृथ्वी के 31,10,40,000,000,000 वर्ष के तुल्य है। तो ये कितना लंबी आयु है ब्रह्मा की, बड़ा विचित्र सा लगता है हमको। कहते हैं कि इस गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र था, न समाप्त होने वाली लगती है। अब ऐसा कैसे हो जाता है कि इतनी लंबी जीवन मिल जाए? तो अभी एक मच्छर से जाके कहिए कि एक इंसान 100 साल तक जीवित रहता है, तो क्या कहेंगे मच्छर, इतना लंबा जीवन ऐसा कैसे हो जाता है? वैसे ही हमको ब्रह्मा का जीवन लगता है कि इतना बड़ा जीवन ब्रह्मा जी का, लेकिन इतना लंबा जीवन होने के बाद भी क्या होता है, उनको भी मृत्यु अवश्य आती है, उनको भी मरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनको इससे चक्र से मतलब मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो ये शरीर क्या है हमारा, यातना शरीर है, पीड़ा देने वाला यंत्र है, यहाँ दर्द वहां दर्द, ये सब पीड़ा देने के लिए ही जो है हमारे। तो हम कष्ट सह लेते हैं,
अब अगर सोच लें कि अब हम अब नहीं सहेंगे तो क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। जैसे बच्चा है आपके पास जाता है, जल जाता है, दोबारा नहीं जाता है, तो हम बच्चे से भी ज्यादा ना समझ हो जाते हैं कि हम भगवान को जानते ही नहीं, आग में फंसे हुए फिर भी निकलना नहीं चाहते हैं। ब्रह्मा जी का इतना बड़ा दिन है, उनको भी मरना पड़ता है, ये भी जान के भी अगर हम प्रयास न करें तो फिर हमको मूर्खी या अबुद्धि अल्प मेधसा जैसा कल पढ़ा था हमने, वही कहा जाएगा। अरे अव्यक्ता दव्यक्तस्तर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रावाव्यक्त संयगे संयगे हरे कृष्णा। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त होते रहते, दिन हुआ तो सारे जीव अव्यक्त अवस्था में, फिर जब रात आई तो पुनः सब अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये प्रलय की एक तरह से बात की जा रही कि जब प्रलय होता है तो सारे जीव कहाँ होते हैं, अव्यक्त अवस्था में हो जाते हैं। कहते हैं कि पूरी सृष्टि जो है ब्रह्मा समेत जो है वो महाविष्णु के गर्भ में समा जाती है, और जब रात्रि होती है तब, और जैसे ही फिर दिन होता है महाविष्णु की जो है वो क्या कहते हैं दिव्य दृष्टि होती है, जब उनकी इच्छा होती है फिर से इस सृष्टि की, तो वो अपने क्या कहते हैं कि प्रकाश डालते हैं, वो अपने आंखों से प्रकाश डालते हैं, उसके आधार पर फिर जो है वो ये सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त हो जाती हरे कृष्णा है। भूतक भूतग्रामस्य भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वश पार्थ प्रभवत आगम हरे कृष्णा। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असायवत विलीन हो जाते हैं। हरे के आना। अच्छा बेटी हटा के आना। हरे कृष्णा। तो क्या कहें, जब जब ब्रह्मा का दिन होता है, जब जब ब्रह्मा जो है वो दिन हो जाता है, ब्रह्मा का जैसे ब्रह्मा का दिन होता है वैसे क्या होते हैं, ये सारी सृष्टि प्रकट होनी शुरू हो जाती है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस लोक में जाना चाहते हैं जाना होता है उनको, वहां चले जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा का दिन और रात के साथ ही यहाँ पर सृष्टि होती है, प्रलय होता है, और जीव प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं अव्यक्त होते हैं, इस सब का ये इस तरह से सृष्टि का चक्र चलता रहता है। जो भगवान है वो महाविष्णु के द्वारा, गर्भोदक्षायी विष्णु के द्वारा और चिरोदक्षायी विष्णु के द्वारा सारा ये जगत चलना शुरू हो जाता है। कहते कि किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही विघ्नस्ट हो जाते हैं, दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु रात्रि के होते ही वे विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं, और पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट हो जाते हैं भूतवा भूतवा प्रत्येक। जैसे दिन होता है प्रकट होते हैं, रात्रि होता है तो विनष्ट हो जाते हैं, असहायवत बिल्कुल उनका अपने ऊपर कोई वश ही नहीं रहता है, अपने पर वश समाप्त हो जाता है, अपने पर कोई वश नहीं रह जाता, ऐसे वो हमेशा प्रकट और अप्रकट की अवस्था चलती रहती है। हरे कृष्ण। परत स्मातु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यशः सर्वेषु हरे भूतेषु कृष्णा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लेकिन इससे अलग भी एक है, एक अलग जगह है, एक अलग प्रकृति है, वो हमेशा जो है वो क्या होती इन सब से परे है, ना वो व्यक्त होती है ना वो अव्यक्त होती है, वो पराश्रेष्ठ है, दिव्य है और कभी भी नाश होने वाली नहीं। ये संसार ऐसा है, यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब भी उसका नाश नहीं होता है। वो कौन सी शक्ति हो सकती है,
भगवान की शक्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान की शक्ति ही जो है वो परा होती है, दिव्य होती है, शाश्वत होती है, और वो ही इन सब परिवर्तनों से अलग होती है। जो ये भौतिक प्रकृति है ये क्या है, नष्ट होती रहती है और साथ ही जो है कहते हैं व्यक्त और अव्यक्त होती रहती है, लेकिन भगवान की जो पराशक्ति है वो एकदम अलग है, और इसके बारे में अभी और आगे बताया जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्णा। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद। तो अब भगवान जो है वो अपनी उस धाम के बारे में बता रहे हैं जो भगवत धाम है, जिसके लिए हमें बड़ा क्रेज रहता है, भगवत धाम कैसा होगा, भगवत धाम कैसा होगा। तो भगवान परिचय करा रहे हैं हमको, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ देखो ये है भगवत धाम। तो भगवत धाम का वर्ण कि वहां से कोई भी वापस नहीं आता, ना कोई आना भी नहीं चाहता है, वहां सब कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण का प्रेम रहता है वहां पे, किसी न किसी रस से जुड़े रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी भगवान के धाम का वर्णन है, भगवान का निवास स्थान चिंतामणि धाम है। कहते हैं कि इच्छाओं को जो पूरे करने वाले पारस मणि से बना है, वहाँ कल्प वृक्ष है, वहाँ सारी खाने की चीजें उपलब्ध है, सुरभि गाय है, भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। तो भगवान के रूप का भी बड़ा सुंदर वर्णन है, भगवान के धाम का भी बड़ा सुंदर है। अव्यक्त रो अक्षर अप्रकट है, अविनाशी है, परम गंतव्य है भगवान का धाम। सर्वश्रेष्ठ गति कही जाती है, परम गति कही जाती है, जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो हमें मार्ग पता है और हमें धाम का मार्ग का लक्ष्य भी पता है। तो हमें जब ये दोनों चीजें पता हो जाती हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि हम भगवान के पास पहुंचे, भगवान के धाम में जाएं, क्योंकि कोई नहीं वहां जाना चाहता, वहां से आना कोई नहीं चाहता, वहां सब जाना चाहते हैं। तो भगवान तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, कई विश्वास हैं, परंतु पहुंचना कहाँ, एक ही स्थान पर है जो अंतिम लक्ष्य है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। जैसे रोटी खाइए, डोसा खाइए, पुलाव खाइए, कुछ भी खाइए, अंतिम सत्य क्या है, पेट भरना है। वैसे ही हमारी अंतिम गति क्या है, भगवान को, धाम को प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुषा परा पार्था भक्त्या लभस्तनन्नया यशन्तस्थानि भूतानि येन सर्वं मिदं ततम्। हरे कृष्णा। श्री भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबसे उच्च स्थान का है भगवान का धाम है, भगवान वहीं पर विराजमान रहते हैं, और उसके बाद भी वो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ के नियंत्रण करता है। और उनको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, सबसे सरल मार्ग, सबसे अच्छा मार्ग क्या है, अनन्य भक्ति है। परम पिता को अनन्य भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भगवान कहते हैं, जो लोग भौतिक जगत में है वो अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, कभी इस योनि में जन्म लेते हैं, कभी उस योनि में जन्म लेते हैं, लेकिन जो भगवान के पास रहते हैं वो केवल भगवान के पास ही रहते हैं, और उन लोगों को कभी भी लौट के यहाँ पर आना नहीं पड़ता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। ये सबसे महान है भगवान, अपने धाम में विराजते हैं, सब कुछ उनमें ही स्थित है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा है, सर्व कारण कारणम है वो। हरे कृष्णा। यत्र काली त्वना प्रीतिम आप्रीतिम चैव योगिनः प्रयातयन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बतलाऊंगा जिनमें इन संसार के प्रयाण, मतलब जानते, प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है
अथवा नहीं आता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने जो है वो ब्रह्म लोक के बारे में बताया, अपने धाम के बारे में बताया, वहां पहुंच कैसे सकते हैं इसके बारे में भी बताया। अब जो 6 श्लोक है वो बता रहे हैं वो विधियां कौन सी बनी है, क्या करना चाहिए, और उन विधियों के द्वारा कैसे हम पहुंच सकते हैं। तो भक्त को तो सोचना ही नहीं है कि शरीर को कैसे त्यागे, लेकिन जो अन्य विधियों का पालन करते हैं उन लोगों को सोचना पड़ता है कि किस तरह से वो अपने शरीर को त्यागे जिसके द्वारा वो भगवान के पास पहुंच सके। भक्त को तो सीधे जो है वो गुरु के माध्यम से वो भगवान के पास पहुंच जाता है, गुरु उसको दिशा दिखाते हैं और वो पहुंच जाता है। जो कि कहते हैं योगी के लिए होता है कि वो अपना शरीर छोड़ने का समय और शरीर छोड़ने का जो स्थान होता है वो चुन सकता है। और लेकिन उस मार्ग में भी कई कठिनाइयां हैं, हम आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल चुपचाप खड़े जबान लगाई। पढ़िए। हरे कृष्ण। अग्निरी ज्योतिर्ग शुक्ल षण्मषायुत्तरायणम् तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। हरे कृष्णा। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ 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 लग शुभक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो उत्तरायण और दक्षिणायण की बात हो रही है। उत्तरायण जो है कहते हैं कि ये जनवरी से लेकर जुलाई तक ये देवताओं का दिन माना जाता है, और अगस्त से लेकर दिसंबर तक ये दक्षिणायण ये देवताओं की रात्रि मानी जाती है। तो उसी के आधार पर यहाँ वर्णन किया गया है कि योगी लोग समय निर्धारित करते हैं कि समय और स्थान देख के वो लोग जो है बताते हैं, मतलब अपना चुनाव करते हैं कि किस समय वो अपने शरीर को छोड़ेंगे। तो जो लोग यहाँ पर बात हो रही है उत्तरायण की, जो उत्तरायण में जो शरीर छोड़ते हैं वो अग्निदेव के प्रभाव में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं, दिन का शुभ क्षण में रहते हैं, शुक्ल पक्ष में, और जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तब वो 6 मास जो होते हैं उनमें अपना शरीर त्याग करने के लिए तैयारी करते हैं और परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो ये एक तरीका है, सबके अधिष्ठाता देव होते हैं, अग्नि के भी, प्रकाश के भी, दिन के, पक्ष के, सबके, और आत्मा की यात्रा की जो व्यवस्था होती है, जब शरीर छोड़ देते हैं योगी, जो अपना शरीर त्यागने का समय स्थान चुन लेता है, व्यवस्था कर लेता है, फिर जब वो शरीर छोड़ता है तो अब ये बहुत निश्चित नहीं क्योंकि उसकी सारी गणना सही ही बैठे, लेकिन हाँ सही गणना अगर बैठ जाती है तब वो भगवान को प्राप्त कर पाता है, वो अपनी उसकी मुक्ति कर पाता है, अपने शरीर को त्याग कर पाता है। और हरे जनवरी कृष्ण। से जुलाई के बीच में जो म्यूट चार्ट है करिए, वो म्यूट भगवत। रखिए। अगर प्रश्न तो हम बाद में, अगर है तो प्रश्न तो नहीं है, कुछ घर की बातें हो रही। हरे कृष्ण। पढ़िए। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मषा दक्षिणायनम् तत्र चंद्रमा शनि ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्णा। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसके पहले जो आपको उत्तरायण की हुआ था तो उसे गए वो पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वो पर ब्रह्म को पा जाते हैं। लेकिन जो ये लोग हैं दक्षिणायन में जो शरीर छोड़ते हैं, जो धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, और ये लोग क्या होते हैं फिर वापस आ जाते हैं, चंद्र लोक को जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो जब भागवतम आप पढ़ेंगे तब कपिल मुनि का आएगा वहां पे कि जो लोग कर्म कांड और यज्ञ कांड में बिल्कुल
परफेक्ट होते हैं वो लोग मृत्यु होने पर चंद्र लोक को प्राप्त करते हैं। और क्यों चंद्र लोक को प्राप्त करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हाँ हम सुख पाए, सुख सोम रस का पान हो, इस तरह के जो चाहते हैं वो वहां पर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुक्ल कृष्ण गति खेते जगता शाश्वते मते एकया जातना वृत्तिम अन्नया भरतति पुनः। हरे कृष्णा। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रकाश का मार्ग होता है उत्तरायण का और अंधकार का मार्ग होता है दक्षिणायन का। जो प्रकाश के मार्ग से जाता है वो वापस नहीं आता, वो पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो अंधकार के मार्ग से जाता है वो वापस आता है, वो चंद्र लोक को प्राप्त करता है। तो इस तरह से जो 23, 24, 25, 26 में जो उत्तरायण और दक्षिणायन का जो प्रकरण था वो समाप्त होता है। एक तरह से बात हुई है कि हाँ ये जो मार्ग होते हैं ये योगियों के लिए होते हैं, भक्तों के लिए नहीं होते हैं। भक्त तो केवल भगवान से जुड़ता है और भगवान को ही प्राप्त होता है। दक्षिणायन उत्तरायण ये सब मार्ग योगियों के लिए होते हैं। वो जो अपने अंदर जो है वो शक्ति उत्पन्न करते हैं और उस शक्ति के द्वारा जब वो चाहते हैं तब वो इस शरीर को छोड़ते हैं। ये गुणा भाग उनके लिए होता है। जो भक्ति करते हैं वो इनसे परे होते हैं। हरे कृष्णा। नहीं ते श्रुति पार्थ जानन् योगी मैहाति कश्चन तस्मात् शरीरेषु कालेषु योग युक्तो भवर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति नहीं करते हैं उनका लक्ष्य होता है निराकार की प्राप्ति करना, परंतु जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान अपना पथ बता रहे हैं कि भक्तिगण जो है वो ये दोनों मार्ग को जानते हैं लेकिन दोनों के चक्कर में नहीं फंसते, इनसे उदासीन रहते हैं। उनको शुक्ल पक्ष के क्या परिणाम है, कृष्ण पक्ष के क्या परिणाम है, ये उनको जानना नहीं पड़ता। ये परिणाम योगियों को जानना है। लेकिन जो भक्त होता है वो अटल रहता है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं ना युक्त वैराग्य, जो बिना विचलन के बिना स्वार्थ के अपनी सारी इंद्रियों को भगवान को ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, तो जो इंद्रियां होती हैं वो इंद्रियों के स्वामी को अर्पित कर देता है। संसार से अनासक्त होकर कृष्ण भावनामृत में भक्त लग जाता है। वो इन जो है दक्षिणायन और उत्तरायण के किसी भी चक्र में नहीं फंसता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्या फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाध्यम्। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो भक्त कभी भी चिंता नहीं करता कि उसको क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जानता है कि जो कुछ उसके लिए आवश्यक होगा भगवान उसको दे ही देंगे। वो भगवान से केवल भक्ति चाहता है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि जीवन भर भक्ति करें और अंत समय में नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी क्या करते हो? मैं 16 माला जप करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ। कहते बस तुम यही करो, अगर तुम्हें भगवान का नाम याद नहीं आएगा तो मेरी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी नहीं है। मैं लेके आऊंगा कृष्ण को तुम्हारी स्मृति में।
तो याद करने की चिंता तुमको नहीं करनी है, तुम बस हरे कृष्ण नाम को जपो और चार नियमों का पालन करो। तो भगवान का शुद्ध भक्ति यही कह सकता है, हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन श्री भगवान जी का वचन है कि अगर तुम जीवन भर भगवान का चिंतन कर रहे हो तो भगवान आपकी स्मृति में जरूर आते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम शरीर छोड़ रहे हो, तो मैं आता हूँ तुम्हारे पास, हाँ और भगवान जी, स्मृति में आते हैं और भगवान के धाम वापस चला जाता है। भगवान के हाँ पास में आना, ये भक्त की अभिलाषा को पूर्ण होना है, ऐश्वर्य है ये भक्ति का। अष्टांग योगी, दृढ़ जो हठ योगी, ध्यान योगी, हरे कृष्णा की या म्यूट रहे, उनको सोचना पड़ता है कि कब शरीर त्याग करें। परंतु भक्त क्या होता है, इन सबसे परे होता है। जैसे बंदरिया का बच्चा होता है तो बंदरिया को पकड़े रहता है, अब बंदर का जो है वो काम होता है अपनी माँ को पकड़े रहना, लेकिन वही जब बिल्ली का बच्चा होता है तो बड़ी सॉफ्टली पकड़ के ले जाती है उसको और बड़ी सुरक्षा से रखती है। वही उसके उल्टा अगर उसको कहीं पे चूहा मिल गया तो देखिए कितनी मुश्किल उसको जकड़ के रख लेती है। लेकिन जो वैसे ही भक्त को जो है वो भगवान एकदम सॉफ्टली आराम से लेके जाते हैं, उसको पहुंचाते हैं, अपने पास लेके जाते हैं। तो एक तरह से इस अध्याय में हमने जाना कि हमारी सोच और आसक्ति के अनुसार हमको जन्म मिलता है, अगला जन्म मिलता है। हमें किसी पर आसक्ति नहीं करनी है, हमें अपने कर्तव्यों को करना है लेकिन आसक्ति नहीं करनी है। अर्जुन सोचते कि कहीं मुझे युद्ध करूं मैं और कहीं मुझे दुर्योधन याद आ गए, दुशासन याद आ गए, शकुनी याद आ गए, तो क्या होगा मेरा। तो भगवान कहते हैं, समझाते हैं, मामनस मेरा युद्ध चा, तुम दुशासन को देख के युद्ध मत करो, तुम दुर्योधन को देख के युद्ध मत करो, मेरा देखो, मुझे जो है स्मरण करो और युद्ध करो, तब ये लोग नहीं आएंगे। अगर तुम ये सोचो कि दुशासन और इनकी इनको अगर स्मरण में रखोगे तो फिर यही लोग आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हमको सरल उपाय बता देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहते हैं कि जो भागवतम में भी कहा गया है कि जो कलयुग है उसका बहुत बुराइयां हैं, कलयुग में मति मंद जो है वो मंद भाग्य है, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, कलेर दोषे निधे राजन अपित ये में महागुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कि हे राजन, कलयुग सागर है दोषों का, इसमें बहुत सारे दोष भरे हुए हैं, पर कृष्ण महामंत्र के जप मात्र से सारे बंधन जो है वो समाप्त हो जाते हैं और दिव्य लोक की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अर्जुन तुम केवल मुझे याद करो और मुझे ध्याओ और मेरे ही जो है वो गुड़ गाओ, मेरे ही चिंतन में रहो, मेरे ही ध्यान करते रहो। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 प्रश्न है, राम कोई हरे राम सुझाव है राम राम हरे आप हरे प्रश्न कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण